बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बर्गर और पिज़्ज़ा आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो पिज़्ज़ा वाली दुकान पर हम आए हैं ना, ये अपने आप में पटना ही नहीं पूरे बिहार में नायाब है। नायाब इस मायने में है, विजुअल देखिए, उसके बाद हम बताते हैं आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये फुटपाथ पर पिज़्ज़ा मिल रहा है। पिज़्ज़ा जो मिलता है वो बड़े बड़ी दुकानों में बड़े बड़े ब्रांड नेम के साथ मिलता है, लेकिन ये जो शॉप है फुटपाथ पर खोली गई थी और आज से कुछ महीने पहले। और सबसे ख़ास बात है कि ये जिस तरीके से ये पिज़्ज़ा बनाया जाता है ना, वो अद्भुत है। लकड़ी पे बनता है ये पिज़्ज़ा। आपने लकड़ी पे बनने वाले मीट अहुना चिकन खाया होगा, मीट खाया होगा, लेकिन पहली बार आप विजुअल देख रहे हैं ना, ये पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। लकड़ी की आँच है इसके पिज़्ज़ा के बगल में, उसी आँच के सहारे ये पिज़्ज़ा जो है वो पक रही है, यानी कि बन रही है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इस दुकान बोन पिज़्ज़ा के नाम से खोला है पटना के कंकड़बाग में। निखिल जी हमारे साथ मौजूद होंगे। निखिल जी, कहाँ से आइडिया आया? और पिज़्ज़ा तो बड़ी बड़ी दुकानों में मिलने वाला प्रोडक्ट है, खाते भी लोग बहुत हैं, लेकिन फुटपाथ पे पिज़्ज़ा, वो भी इस फॉल्क के साथ की लकड़ी में आप बना रहे हैं? एक्चुअली मैं एक जगह ट्रैवल कर रहा था, उत्तराखंड गया था हम लोग, तो वहाँ फ्रेंड लोग के साथ हम लोग मसूरी घूम रहे थे, वहाँ हम लोग देखे थे ये पहली बार। और बिज़नेस में इंटरेस्टेड होने की वजह से मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी यहाँ पटना के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे खोलना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा अभी तक हम लोग। कितने दिन हो गए? ये मैंने 2018 में खोला है। 2018 से फुटपाथ पर ये पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, और देखिए ना किस तरीके से बन रहा है। निखिल जी, किस तरीके का रिस्पॉन्स है लोगों का अभी? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है सर। हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ। आपको आता है कि कारीगरी बनाते हैं? नहीं नहीं, करके दिखाइए। नहीं, करके दिखाइए आप। आपने कहाँ से ट्रेनिंग? आप बता रहे थे कि उत्तराखंड आप गए थे, वहीं पर आपको ये आइडिया आया, वहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से पिज़्ज़ा को बनाया जा रहा है। आप अभी निकाल देना इसको। हाँ, पटना में खोला, रिस्पॉन्स कैसा है लोगों को? मैंने सीखा है। हाँ, सीखा है, ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग लेके मैंने खोला। हाँ, पिज़्ज़ा तो बहुत महंगा आता है, आपकी दुकान पर कैसे है? आप देखिए मेन्यू। हाँ, ओनियन पिज़्ज़ा 120 रुपये, टोमेटो पिज़्ज़ा 120 रुपये, सस्ते भी हैं। हम लोग का सारा मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है। हाँ, हम लोग अभी मतलब रेगुलर एक साइज़ रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा टेंशन ना लें, इसलिए एक साइज़ का सारा पिज़्ज़ा रहता है। हाँ, क्योंकि मैंने अब थोड़ी देर बाद इस वीडियो के ही दौरान मैं टेस्ट करने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको कि पिज़्ज़ा का टेस्ट वाकई जो बड़े बड़े ब्रांड नेम के साथ पटना में या पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं उससे बेहतर स्वाद है या नहीं है। अब जो विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरीके से पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी देख रही है, हम विजुअल्स पैच कर रहे हैं उस वक्त की जब पिज़्ज़ा बनाने की शुरुआत तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी छोर देख सकते हैं कि जो कस्टमर हैं लुत्फ उठा रहे हैं इनके देसी पिज़्ज़ा का। देख सकते हैं कि फैमिली वाले भी हैं और जो लोग हैं फिलहाल। देखिए जी, एक सवाल अहम सवाल, जब आपने अपने फैमिली को बताया कि इस तरीके का आपको बिज़नेस करना है, सपोर्ट था या कि लड़के कर मुझे तो करना ही है ये वाला फीलिंग था? सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट रहा है सर, ऐसा नहीं है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, बट थोड़ा सा तो होता है ना, एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी अभी हमारे बिहार में अभी भी है कि नौकरी वोकरी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं लोग। हाँ, लेकिन नौकरी की जगह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मेरे को भी खुशी मिलती है कि मैं कुछ अपना खुद का कर रहा हूँ। देखिए, हमारे बिहार में ये कहावत है, करो तो सरकारी नौकरी नहीं तो बेचो तरकारी। ये भी एक कहावत है। हमारे लिए पिज़्ज़ा आपने बनवा रहे हैं? हाँ, बनवा रहे हैं। चलिए भैया, आप हमारे लिए भी बनाइए पिज़्ज़ा और टेस्ट करेंगे आखिर निखिल जी की जो दुकान है पटना के कंकड़बाग में, उनकी पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है। ये जो पिज़्ज़ा बन रहा है वो हमारे लिए बन रहा है संभवतः। हाँ, वेजी मामा। और टेस्ट करेंगे। पटना में और भी है क्या इस तरह का? तो मैंने तो नहीं देखा आपकी नज़र में। हाँ, फुटपाथ पर लोग बहुत खाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाने पीने का चलन है, लेकिन फुटपाथ पे भी लोग जो है वो जायकों का मज़ा जो है अपने अपने धीरे धीरे सर यहाँ पे मतलब जैसे पहले क्या था, आज से जब मैंने स्टार्ट किया है 2018 में, तो उस समय क्या था कि
इतना ज़्यादा चलन नहीं था, जैसे स्ट्रीट पे जो बनाने का प्रोसेस होता है। हाँ, क्या हो रहा है ये? ये पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन कर रहा है ये लोग। पिज़्ज़ा सॉस लगा, पिज़्ज़ा सॉस। और हम लोग काफ़ी क्वालिटी का भी मतलब ध्यान रखते हैं यहाँ पे, कि आपको स्ट्रीट पे भले मिल रहा हो बट एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो आपको उसमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। और हम लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम लोग जो भी रॉ मटेरियल यहाँ यूज कर रहे हैं सारा एक अच्छे ब्रांड से है, कोई भी लोकल चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली लोग सोचते हैं स्ट्रीट पे लोग हैं अगर बना रहा है तो वो चिप क्वालिटी का होगा, खराब क्वालिटी होगा, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। हम लोग फ्रेश जो भी है सब कुछ फ्रेश यहाँ रेडी करते हैं, आपके सामने लाइव प्रिपेयर होता है पिज़्ज़ा, टोटल होल प्रिपरेशन जो भी है आपके सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ छुपा करके हम लोग बना रहे हैं। अब क्या डाला जाएगा? ये हमारा स्पेशल सॉस है, मांबा सॉस। ये दो तीन पिज़्ज़ा ही हमारे पास है जिसमें यह डलता है। अच्छा। और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। एक पिज़्ज़ा बनने में लगता है मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़, ये भी मिलता है प्रोडक्ट? हाँ। और अब क्या इधर है? अभी इसमें ऑनियन जाएगा, बेल पेपर जाएगा, कैप्सिकम और टमाटो जाएगा। और डिलीवर भी करते हैं क्या, मतलब कोई फोन डिलीवरी? हाँ, हाँ करते हैं, लोकली करते हैं, लोकली कंकड़बाग तक, ज़्यादा दूर का डिलीवरी नहीं। हाँ, क्या आपने ये प्लान किया है कि आने वाले वक्त में जो आपका ये जो बिज़नेस है इसको एक्सपेंड किया जाए? जी बिल्कुल किया हुआ। हाँ, कोई भी एक छोटे से जगह पे नहीं करना चाहिए। अगर मैंने स्टार्ट किया इसको तो आगे कुछ सोचा भी है। तो अभी कोरोना की वजह से तो समझ ही सकते हैं कि सारे बिजनेसेस काफ़ी बैक हो गए हैं। फिलहाल प्याज डाला जा रहा है और जो भी टॉपिंग्स है फ्रेशली चॉप्ड होता है यहीं पर, कोई भी चीज़ आपका पहले का नहीं रहता। हाँ, पहले का नहीं बनाओ, तुरंत आप फटाफट ऑर्डर देते हैं और बनवा देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है सफाई का भी खासा ख्याल रखते हैं। ज़रूरी है ना सर। ये जो पिज़्ज़ा बन रहा है वो हमारे लिए बन रहा है, स्पेशल बना रहे हैं हमें, हमारे लिए बना रहे हैं, तो हम खाएंगे और टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर पिज़्ज़ा बना कैसा है। फिलहाल पिज़्ज़ा को बनने दीजिए। तो चलिए, ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया है और खाएंगे हम इसे अब और बताएंगे आखिर इसका स्वाद जो है वो कैसा है। ये आपको बता दें कि इस शॉप की लोकेशन हम आपको बता दें, पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स पटना कंकड़बाग, बॉर्न पिज़्ज़ा के नाम से इनकी दुकान है पटना के कंकड़बाग स्थित। और हम अब क्लासिक है तंदूरी पनीर है। चलिए, इस पिज़्ज़े का स्वाद हम लेंगे। निखिल जी, हमारे साथ आपको भी खाना पड़ेगा। बिल्कुल खाइए आप पहले। पहले हम ये टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं ये पिज़्ज़ा जो है वो किस तरीके से बना है। ओरिगैनो वगैरह डाल लीजिए। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा आपने बनाया निखिल जी। बहुत बहुत और हम तो अपने कैमरा पर्सन को भी खिलाएंगे ये पिज़्ज़ा। और अगर आप पिज़्ज़ा के दीवाने हैं ना तो इस दुकान पर अगर आप पटना में रहते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि इनके यहाँ का जो पिज़्ज़ा है ना बहुत ही मस्त है और रेट क्योंकि फुटपाथ पर दुकान है तो सस्ता तो बहुत है। निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप, और आप अपना पिज़्ज़ा इन्जॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप लोग? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड से कंकड़बाग पिज़्ज़ा खाने के लिए कुछ अलग से आया था? नहीं नहीं, यहाँ पे बोन पिज़्ज़ा एक्चुअली इनका जो लाइव देख के हम लोग खाते हैं इसका एक अलग मज़ा है, बस उसी को हम लोग यहाँ पे आते हैं कि चलो भाई हम लोग ओपन स्पेस में ट्रीट करें इस पे, मतलब सेलिब्रेट करते हैं इस पिज़्ज़ा को, और स्पेशली हम यहाँ आके खाते हैं। अच्छा, बोरिंग रोड से यहाँ पे आते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, बोन पिज़्ज़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पसंद है आपको पिज़्ज़ा? बहुत पसंद है, बहुत। टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें कैसा लगता है पिज़्ज़ा?
फेवरेट है? अच्छा लगता है। हमेशा आते हो? हाँ। चलिए पिज्जा खाने तो बच्चों की फेवरेट है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मज़ा आया, अच्छा लगा। आज थोड़ा फुर्सत में थे तो ये पिज्ज़ा वाली खबर बनानी आपके लिए ज़रूरी थी। फिलहाल अभी तक